देखिए हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कई पत्रकारों ने पूछा आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारे चर्चा हो चुके हैं, इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली। सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किए हैं उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता खारगे, सब मैंने क्या कहा सब देखे हैं। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर होगा, दिखा दिए और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल चुके हैं और इसके लिए बवाल करना, ये बड़ा ताजुब लगते हैं। बड़ा ताजुब इसलिए लगते हैं कि जब बीजेपी पार्टी के पास कोई हमारे खिलाफ बोलने की कुछ नहीं है, तब ये ढूंढते हैं कहीं के कोई मसाला ढूंढते हैं और इसको ये बहाना बना के, सिंपली द इश्यू इज ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, दे आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। बाय डिफॉल्ट ओनली वंस द वर्ड हैड बीन अटर्ड यस्टरडे, ओनली वंस, बिकॉज यस्टरडे आई हैव गिवन नंबर ऑफ answers to the media people, nowhere, never I had uttered this word, but for once, and for once, and for once, and that was also by default. I don't have any remote intention to humiliate the highest chair of our country, whosoever may be at the chair of Rashtrapati ji. मैं कहा माफी मांगने के बाद कहा, मैंने कहा चूक हो सकता है, अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो, लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं। मैं तो कुछ किया नहीं है, गलती एक एरर हुआ है, चूक हुआ है, ये जानबूझ के नहीं, मैं बार बार सुबह से कह रहे हैं। आज देखा सत्ता पक्ष खुद सदन को भंग कर रहे हैं। मैं स्पीकर साहब से निवेदन करके दरखास्त करके मेरी बात रखने के लिए समय मांगा था, स्पीकर ने समय तय किया था 12 बजे, क्योंकि मेरे खिलाफ आरोप लगाएगा तो ये मेरे भी फर्ज बनते हैं, मेरे भी जिम्मेवारी बनते हैं कि इसके जवाब देना। तो इसके लिए मैं स्पीकर साहब से चिट्ठी लिख के समय मांगी, स्पीकर साहब ने समय देने में इजाजत दी, लेकिन बाद में स्पीकर साहब नहीं आई, दूसरे किसी चेयरमैन साहब को भेजा, तो मैं अपना बात रखने के खराबी हुई, लेकिन मुझे बात करने के नहीं देते। ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारे खिलाफ अगर इल्जाम रहे, हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्ता पक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है, इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ। क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपति का, मैंने सुबह से कह रहे हैं चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहां। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं सदन में, राष्ट्रपति जी की बुलाए पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलाए पर आते हैं मैं उनको कैसे सम्मान कर सकता, कैसे, वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है, मैं कभी सोच सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो, बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुख से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते ये अलग बात है, लेकिन
मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करे। सरकारी करिए आपकी माफी से नहीं, सीधा सोनिया गांधी इसमें सरकार की नापाक इरादे को स्पष्ट कर दिया। सरकार ने अन्याय अगर किया, दोष अगर किए होंगे तो मैंने किया। फांसी पे लटकाना है तो मुझे लटकाओ। अगर मैं खून किया तो दूसरे क्यों फांसी पे चढ़ेगी? अगर मैंने किसी को खून किया तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैंने कई गलती किया तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैं अगर कोई गलती किया तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना है करो। मैडम को क्यों इसमें तुम शामिल करना चाहते? इसके मतलब तुम्हारे नापाक इरादे जो है वो इरादे तुम खुद साफ कर रहे हो।